नमस्कार, मैं हूं नीलाक्षी और आप देख रहे हैं द हेल्थ साइट। आज जो हम आसन करने वाले हैं उसके अंदर हम आपके वजन को नियंत्रित करने पर बात करेंगे। ये आसन आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर इस्तेमाल करें और आपको तुरंत ही अपने वजन में एक तरह का नियंत्रण महसूस होने लगेगा। ये आसन आपको स्ट्रेंथ भी देते हैं, बैलेंस भी देते हैं। तो सबसे पहली चीज, आपको दिन में वज्रासन में जरूर बैठना है। 5 मिनट वज्रासन में बैठना आपके लिए जरूरी है। वज्रासन में बैठने के लिए आप इस तरह से घुटनों पे जाइए, दोनों अंगूठों को जोड़िए, अपनी हील्स को बाहर की तरफ रखिए और बैठते हुए आपके हील्स आपके हिप के बाहर के हिस्से पे रहेंगे। इस आसन में आप खाने के बाद जरूर बैठे और दिन में जितनी बार हो सके आप इस आसन को जरूर अपना। अगला, ये आसन आपको अपने दिन भर में जरूर कम से कम एक बार या दो बार जरूर करना है। इससे आपकी अंतड़ियां साफ होती हैं, आपके पेट के अंदर आपको हल्कापन महसूस होगा। ये है मलासन। मलासन में आने के लिए आप दोनों पैरों को यहाँ रखें और इस तरह अपनी कोहनियों को अपने घुटने पर ले आएं, हाथों को नमस्ते की मुद्रा में रखें और इसमें आप कुछ पल रह सकते हैं। 15 से 30 सेकेंड मिनिमम आपको इस आसन में बैठना है। रोज ये करने से आपका पेट घटने लगेगा और अंतड़ियां भी साफ होंगी। अगला आसन जो हम यूज करेंगे वो है पवन मुक्तासन। ये भी आपके पेट के अंदर जो भी ब्लोटिंग है, एक्सेस बादीपन है, उस सबको हटाने के लिए सबसे अहम आसन है। उसके लिए आप सीधा लेट जाएं और इस तरह अपने घुटने को मोड़ के अपने छाती की तरफ लेकर आए। अगर आपको मुश्किल हो रही है आप इस तरह से भी खींच सकते हैं, अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी काफी अच्छी हो। और यही चीज आपको दूसरे पैर पे भी करनी है। दोनों पंजों को, दोनों हथेलियों को ऐसे जोड़ के छाती तक अपने घुटने को लेकर आए। इस बार में 10 सेकंड के लिए जरूर रुके क्योंकि ये स्ट्रेच ही इस आसन को पावर देता है, इसी से आपके पेट में आराम आता है। अब ये जो अगला आसन है ये आपके लोअर एब्डोमेन के लिए, निचले पार्ट के लिए बहुत काम का है। तो इसके लिए आपको फिर से लेट जाना है, हाथों को इस तरह की मुद्रा में रख के आप अपनी टेल बोन के नीचे जहाँ पे आपकी रीढ़ की हड्डी खत्म हो रही है वहां पे रखें, पैरों को सीधा कर लें। सांस को छोड़ते हुए आपको अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर लेकर आना है, इस तरह से सांस लेते हुए नीचे लाना है। एक और बार करेंगे हम इसे। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ आपके नीचे ही रहेंगे, इससे आप अपने हिप को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये मुश्किल लगे तो आप एक एक पैर भी कर सकते हैं। सांस छोड़ते हुए ध्यान रखें कि आप घुटने मोड़कर ना लाएं और हाथ जरूर रखें हिप के नीचे, वरना आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा और कमर में दर्द होने के चांसेस है। जब भी आप किसी आसन से उठे तो अपने बाईं तरफ मुड़ जाए, लेफ्ट साइड, और फिर हल्के हल्के से आप उससे उठेंगे। अब अगले कुछ आसनों के लिए आपको ये सूक्ष्म व्यायाम रोज करना है। ये है अपनी कमर को पूरी चारों दिशाओं में घुमाना। इससे आपके कमर में भी शक्ति बनती है और स्ट्रेंथ आती है और साथ में आप अपने इस एरिया को पूरी तरह से वार्म अप कर देते हैं। इसके अलावा जो आपको दूसरी एक्सरसाइज करनी है ये भी सूक्ष्म व्यायाम का हिस्सा है, वो है अपने घुटनों को थोड़ा सा नीचे करने के बाद आपको अपने हिप को साइड साइड करना है। इससे आपकी जो लोअर स्पाइन है वो रिलैक्स होती है, फ्लेक्सिबल होती है। और उसके बाद हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसे हम इंग्लिश में गॉडेस बेंस कहते हैं और ये हमारे वॉरियर पोज का ही एक पहला प्रिपरेशन है। इसे हम पूरी तरह से योगासन का हिस्सा नहीं कहते, लेकिन ये आपके कमर को टोन में लाने के लिए और आपकी शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत काम का है। तो इस तरह से आप अपने हाथों को पीछे रखें, पैरों को खोलें और हाथ से कोहनी को घुटने तक ले आएं और इसको आपको एक साइड में कम से कम 15 बार जरूर करना है। 3 रेपिटेशंस 15 बार के या शुरू में सिर्फ 5 बार के काफी है। और इससे अब आप आ सकते हैं सेंटर में। यहां से अब हम करेंगे अपना दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट आसन जो है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए अपने दोनों पैरों को यहां रखें, फिर जिस डायरेक्शन में भी आप इसे कर रहे हैं पैर को खोल ले। तो जैसे मैंने अपने इस पैर को इस तरफ खोल लिया है, हाथों को एक लाइन में रखें, कंधे ऊपर ना चढ़े, नीचे रहे, अपने चेस्ट को थोड़ा आगे की तरफ धकेलें और बॉडी को नीचे ले जाएं और इस आसन में रुके। हमें ध्यान देना है कि हमारा चेस्ट ऊपर की तरफ है
ये हमारे पेट से चर्बी हटाने के लिए सबसे कामयाब आसन है। यही चीज़ आप दूसरी दिशा में भी करेंगे, पैर को मोड़े, दूसरा सामने की तरफ रहेगा और यहाँ से अब हम नीचे की तरफ झुकेंगे। अपने हाथ की तरफ आप देख सकते हैं, सांस लेते हुए ऊपर और एक और बार, एक और जो व्यायाम आप कर सकते हैं वो आपके सूक्ष्म व्यायाम का हिस्सा है, वो है अपने हाथों को इस तरह से आप क्रॉस करें और आगे लाएं और दूसरी तरह से क्रॉस करके इधर लाएं, और एक और बार और एक और बार। कम से कम 30 बार आपको ये आसन जरूर करना है। ये एक मूवमेंट है, ये आसन की जगह सूक्ष्म व्यायाम का हिस्सा है। और इसके बाद आप अपने शरीर को स्ट्रेच करें ताड़ासन में जाके, और इस तरह से आप ताड़ासन में जाइए और पूरे बॉडी को एक स्ट्रेच मिलता है। हिप को अंदर रखें और पूरी तरह से पैरों को, हाथों को आप एक तरह से स्ट्रेच कर रहे हैं, घुटने जुड़े होने चाहिए और धीरे धीरे आइए। तो आज के शो में सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए द हेल्थ साइड। मैं हूं नीलाक्षी, नमस्ते।